साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक जो कि पिछले साल अक्टूबर के महीने से लगातार सिर्फ प्रहार कर रहे थे, वो अब खुद बुरी तरह फंस चुके हैं। जो जो आरोप नवाब मलिक पर लगे हैं, अगर वो साबित हो जाते हैं तो यकीनन नवाब मलिक की बची हुई जिंदगी जेल में ही कटेगी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद एकाएक नवाब मलिक सेंटर ऑफ द न्यूज बन गए थे। रोज सुबह उठते ही एक नया ट्वीट और एक नया बवाल सोशल मीडिया के जरिए कर रहे थे। समीर वानखेड़े के खिलाफ तो नवाब मलिक ने जैसे हल्ला बोली कर दिया था, मगर शायद नवाब मलिक को नहीं पता था कि उनके पुराने छिपे हुए पाप भी इस तरह बेपर्दा हो जाएंगे और उन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ जाएगी, वो भी इस उम्र में। खैर, फिलहाल तो बड़ी खबर ये है कि जेल में पूछताछ के दौरान नवाब मलिक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। जी हाँ, पूछताछ के लिए पहुंची ईडी की टीम के सामने नवाब मलिक बुरी तरह हांफते नजर आए। वहीं इधर दूसरी खबर ये है कि शाहरुख खान का भी नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर पहला और बेहद अजीब रिएक्शन सामने आया है। तो नवाब मलिक के मामले में और क्या है बड़ी अपडेट्स, आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 23 फरवरी को एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग में सक्रिय भागीदारी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ईडी इस पूरे मामले में जिस अहम बिंदु पर जांच कर रही है उसको लेकर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पहले भी नवाब मलिक पर आरोप लगा चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी एक प्रॉपर्टी सौदे के मामले में नवाब मलिक की जांच कर रही है, जिसमें नवाब मलिक ने एक लैंड का सौदा भगोड़े डी के डॉन की बहन हसीना पारकर से किया था। ऐसे आरोप है कि मलिक ने मुंबई के कुर्ला में एलबीएस मार्ग पर स्थित गोवा वाला कंपाउंड की 3 एकड़ जमीन 85 लाख रुपए में खरीदी थी, जिसमें केवल 30 लाख रुपए की बिक्री के समझौते ही दिखाए गए थे, जबकि इस जमीन की असल कीमत 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो इन आरोपों के बाद फिलहाल तो नवाब मलिक ईडी की हिरासत में है और अदालत ने 3 मार्च तक नवाब मलिक को ईडी की हिरासत में भेज दिया है। यानी 3 मार्च तक ईडी नवाब मलिक से कभी भी पूछताछ कर सकती है। अब गिरफ्तारी के अगले दिन जैसे ही ईडी की टीम पूछताछ के लिए पहुंची तो नवाब मलिक की तबीयत खराब हो गई। जी हां, सूत्रों की माने तो ईडी की टीम को देखते ही नवाब मलिक ने बुरी तरह हांफना शुरू कर दिया। जो नवाब मलिक गिरफ्तारी के वक्त हाथ हिलाते हुए मुट्ठी बांध कर छाती चौड़ी कर जाते हुए दिख रहे थे, उन नवाब मलिक की सेहत ईडी की हिरासत में बिगड़ गई है। खबर है कि जैसे ही ईडी के 5 ऑफिसर्स की टीम लॉकअप में पहुंची तो नवाब मलिक के चेहरे का रंग उड़ गया। नवाब मलिक ने टीम के सामने पहले 3 सवालों का कोई जवाब ही नहीं दिया और फिर पानी मांग लिया। जी हाँ, नवाब मलिक ने ईडी की टीम के सवाल सुनते ही पानी मांग लिया। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद नवाब मलिक ने कहा कि वो अभी सही स्थिति में नहीं है, उन्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा और वो किसी भी सवाल का जवाब देने की कंडीशन में नहीं है। इस पर ईडी की टीम ने मेडिकल स्टाफ को बुलाया और नवाब मलिक का चेकअप करने को कहा। सामने आया है कि मेडिकल स्टाफ ने नवाब मलिक का बीपी और पल्स रेट चेक किया, जिसके बाद ईडी की टीम ने मलिक को आधे घंटे का रेस्ट करने को कहा और फिर आधे घंटे बाद दोबारा से पूछताछ के लिए आने की बात कही। यानी कि नवाब मलिक की तबीयत वाकई में बिगड़ गई थी, तभी ईडी ने नवाब मलिक को आधे घंटे का रेस्ट दिया और उसके बाद दोबारा पूछताछ के लिए कहा। सामने आया है कि इस दौरान नवाब मलिक बेहद बेचैन और घबराए हुए नजर आए। हिरासत में बार बार कभी बैठ रहे थे तो कभी उठ रहे थे और मलिक कुछ कुछ बड़बड़ाते हुए भी नजर आए। हालांकि इसके बाद ईडी ने दोबारा पूछताछ की या नहीं इसे लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं मिला है, मगर जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा तो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे।
वहीं नवाब मलिक से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर ये है कि मलिक की गिरफ्तारी पर शाहरुख खान का रिएक्शन भी सामने आया है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अगर जेल से जमानत मिली तो इसमें कहीं ना कहीं नवाब मलिक का बड़ा रोल रहा। नवाब मलिक ने आर्यन खान के केस को कमजोर करने के लिए जी तोड़ मेहनत की और जांच अधिकारी समीर वानखेड़े पर कई तरह के आरोप भी जड़े, जिसके बाद समीर वानखेड़े को आर्यन केस से ही हटा दिया गया। अब उसी नवाब मलिक के लिए शाहरुख खान ने अपने स्टाफ को सख्त निर्देश दिए हैं। जी हां, शाहरुख खान के मुंबई स्थित घर मन्नत से बड़ी खबर ये है कि मन्नत में घर वालों से लेकर स्टाफ के एक एक मेंबर को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो नवाब मलिक की गिरफ्तारी या फिर नवाब मलिक के डी कनेक्शन के बारे में किसी भी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया ना दें। सामने आया है कि गौरी खान, सुहाना खान और आर्यन खान को साफ साफ कहा गया है कि वो सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना ले। वो सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी किसी भी तरह की पोस्ट को ना अपलोड करे और ना ही शेयर करे और ना ही ऐसी कोई पोस्ट शेयर करे जिसका कनेक्शन किसी भी तरह से नवाब मलिक से जुड़ता हो। तो फिलहाल तो नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, दोस्त भी दुश्मन बनते नजर आ रहे हैं। समीर वानखेड़े के लिए गड्ढा खोदने वाले मलिक खुद के लिए कब कब्र खोद बैठे, ये नवाब मलिक की हालत को देखकर समझा जा सकता है। तो नवाब मलिक की हालत पर और बिगड़ती सेहत पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो 200 करोड़ की ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े नए खुलासे हुए हैं। जांच में पता चला है कि सुकेश के निशाने पर जैकलीन और नौरा के अलावा तीन और एक्ट्रेस थी। ईडी की जांच में सामने आया है कि सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन और नौरा फतेही के साथ साथ इन तीन एक्ट्रेस को अपने टारगेट पर लिया था और इनमें सारा अली खान, जानवी कपूर और भूमि पेडनेकर का नाम सामने आ चुका है। ईडी से हुई कड़ी पूछताछ में खुद सुकेश ने सारा अली खान, जानवी कपूर और भूमि पेडनेकर का नाम लिया है। सुकेश ने ईडी को बताया कि उसने मई 2021 में सारा अली खान को टारगेट किया था। 21 मई के दिन सुकेश ने सारा अली खान को कुछ व्हाट्सएप मैसेज भेजे थे जिसमें सुकेश ने अपना परिचय सूरज रेड्डी के नाम से दिया था। इन मैसेजेस में सुकेश ने सारा से कहा था कि वो उन्हें फैमिली के तौर पर गाड़ी गिफ्ट करना चाहते हैं। सुकेश ने इसके साथ ही ये भी कहा था कि उनकी सीईओ मिसेज ईरानी ने उन्हें कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सकी। मिसेज ईरानी सुकेश चंद्रशेखर की एसोसिएट है जो एक्ट्रेस को सुकेश संग बातचीत के लिए और घूमने फिरने के लिए मनाती थी। मिसेज ईरानी यानी कि पिंकी ईरानी ने ही जैकलीन को सुकेश से मिलवाया था और पिंकी ईरानी ही पूरी कोशिश में थी कि वो सारा अली खान का कांटेक्ट भी सुकेश के साथ करवा सके। अब आगे देखिए इस मामले में क्या हुआ। तो सूरज रेड्डी यानी कि सुकेश लगातार सारा अली खान को व्हाट्सएप मैसेज करते रहे, उन्हें महंगे गिफ्ट्स भी ऑफर करते रहे। सारा अली खान से ईडी ने इन्हीं गिफ्ट्स को लेकर पूछताछ की है। सारा ने हाल ही में 14 जनवरी 2022 को ईडी को एक रिटर्न लेटर भेजा था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो सुकेश को लगातार गिफ्ट्स लेने से इनकार करती रही लेकिन सुकेश नहीं माना। हार कर सारा ने सुकेश से एक चॉकलेट का बॉक्स भेजने के लिए कहा लेकिन सुकेश तो महंगे गिफ्ट भेजने का शौकीन था और सुकेश ने सारा को फ्रैंक मलर की महंगी घड़ी भेजी। भारत में इस घड़ी की कीमत लाखों में बताई जा रही है। अब जानवी कपूर को लेकर जो सामने आया है वो और भी चौंकाने वाला है। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर को भी सुकेश ने अपनी पत्नी लीना मौर्या पॉल के जरिए टारगेट किया। जानवी को सुकेश की पत्नी ने पूरे 18 लाख रुपए दिए और ये वही पैसा है जो सुकेश ने जेल में बंद दिल्ली के बिजनेसमैन की पत्नी से हड़पे थे। लीना मौर्या पॉल ने सलून की ऑनर बनकर जानवी को अप्रोच किया। 19 जुलाई 2021 को बेंगलुरु में इन लोगों ने सलून की ओपनिंग के लिए जानवी को इनवाइट भी किया था। जी हाँ, ये सब कुछ ईडी की जांच में सामने आया है।